हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक न्यू इन्वेस्टमेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बेस्ट एयर कूलर इन 2024। यहाँ फ्रेंड्स, वो कौन से एयर कूलर हैं जो कि आप अभी गर्मियों के मौसम में परचेज कर सकते हैं। इसमें हम 5,000 से लेकर 10,000 के आसपास के कूलर का रेंज हम आपको बताएंगे और सभी का बाइंग लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप परचेज करेंगे तो हमें भी थोड़ा बहुत हेल्प होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम आ गया है। अगर आप एक अच्छा कूलर परचेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है फ्रेंड्स। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कूलर परचेज करते समय सबसे पहला बात आता है कि बजट। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके पास बजट कितना है और दूसरा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, बजट और रिक्वायरमेंट दोनों ही ज़रूरी हो जाता है कूलर परचेज करने जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब रिक्वायरमेंट का मतलब ये हो गया कि आपको एक लोग के लिए कूलर चाहिए, दो लोग के लिए कूलर चाहिए, या पूरे रूम को ठंडा करने के लिए कूलर चाहिए, या 4-5 मेंबर हैं उनके लिए कूलर चाहिए। आप जो है कूलर ऐसे जगह प्लेस कर रहे हैं जहाँ जिस रूम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, उस जगह के लिए कूलर चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको कूलर किस तरह का चाहिए ये भी बहुत डिपेंड कर काफ़ी सारे कंपनी के कूलर हमने सेलेक्ट किए हैं और सभी के हम बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कौन से कूलर आप जो है परचेज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले और सबसे कम दाम में जो एयर कूलर आपके सामने लेके आए हैं वो हिंडवेयर का 38 लीटर का 12 इंच का फैन ब्लेड एंड आइस चैम्बर भी इसके साथ है, 5,299 का आपको देखने को मिलता है। ये पर्सनल एयर कूलर है फ्रेंड्स, पर्सनली यूज़ करने के लिए ठीक है फ्रेंड्स। आप समझिएगा कि पूरा रूम ठंडा हो जाएगा तो इससे ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसका जो वाटर इनलेट है वो भी थोड़ा सा कम कैपेसिटी का है तो देख सकते हैं आप। और 2+1 ईयर का इसमें वारंटी है। फ्रॉस्ट वेव 38 लीटर का यहाँ पे आपको कूलर मिल जाता है, आइस चैम्बर मिल जाता है, ऑटोमेटिक स्विंग कंट्रोल और बैक टू सील्ड हनीकॉम भी देखने को मिल जाता है। यहाँ फ्रेंड्स, वाटर लेवल इंडिकेटर है, कैस्टोर व्हील है, बहुत ही अच्छे से आप मूव कर सकते हैं कूलर को एक जगह से दूसरे जगह। इन्वर्टर कंपेटिबल है। जी हाँ फ्रेंड, इन्वर्टर से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, इसका आप हाइट देख सकते हैं, मेजरमेंट देख सकते हैं। बाकी हिंडवेयर का कंपनी भी काफ़ी अच्छा है जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। और रूम साइज़ और टैंक कैपेसिटी कितना होना चाहिए वो यहाँ पे एक जनरल आइडिया दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने स्क्वायर फीट का रूम के लिए आपको एक कूलर चाहिए, पर्सनल कूलर चाहिए, टावर चाहिए, विंडो चाहिए, डिजर्ट कूलर चाहिए। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स डिजर्ट कूलर के बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। एयर फ्लो जो है 2200 cm pH है, मतलब आपको मीटर क्यूब पर आवर पीक वैल्यू प्रोवाइड करता है कूलिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम। यहाँ फ्रेंड 12 इंच का लार्ज फैन ब्लेड है जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, तो ब्लेड का साइज़ भी ठीक ठाक है, प्राइस भी रिजनेबल है। उसके बाद हम बात करेंगे बजाज का 36 लीटर का पर्सनल एयर कूलर। आप इसमें आप 3 ईयर का वारंटी, 3 स्पीड कंट्रोल देखने को मिल जाता है, 6,000 के आसपास है। इसका टैंक कैपेसिटी थोड़ा सा ज़्यादा है, बजाज ब्रांड भी अच्छा है काफ़ी। यहाँ पे आपको 2 नॉब भी देखने को मिल जाता है। डायनेमिक एयर डिलीवरी 2200 cm का है और एवरेज एयर डिलीवरी जो है 1500 cm का है। 90 फीट 27 मीटर पावरफुल एयर फ्लो है। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्वर्टर कंपेटिबल है, 4-way मोबिलिटी है, 3 स्पीड कंट्रोल है, 4-way स्विंग डिफ्लेक्शन है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। आप अगर बजाज का ये कूलर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि पर्सनल एयर कूलर है, आप अगर पर्सनली यूज़ करेंगे तो ही बेटर रहेगा इसका परफॉर्मेंस। और आप चाहेंगे कि पूरा रूम एकदम चिल्ड हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा।
यहाँ पे फ्रेंड्स आप मॉडल देख पा रहे हैं, हनी कॉम भी यहाँ पे है, बेटर एयर फ्लो और बैक्टीरिया भी इसमें नहीं पनपेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बजाज का ये कूलर बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे थोड़ा सा और बजट आप ऊपर करेंगे तो लिप प्योर का आपको एयर कूलर देखने को मिलेगा 8000 के आसपास। ये डेजर्ट एयर कूलर है जी हाँ फ्रेंड्स, 65 लीटर का है कूलर विद हाई एयर डिलीवरी, आइस चैम्बर, हनी कॉम पैड, स्टडी व्हील रूम कूलर विद इन्वर्टर कंपेटिबल है। जी हाँ फ्रेंड्स, डिजर्ट कूलर है और इन्वर्टर कंपेटिबल है, ये काफ़ी मायने रखता है। 65 लीटर का टैंक का कैपेसिटी है तो रात में आप चला के अपना बहुत ही अच्छे से नींद ले सकते हैं, पूरा नाइट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 5000 CMH पावरफुल एयर डिलीवरी है, एंटी बैक्टीरियल आपको देखने को हनी कॉम पैड देखने को मिल जाएगा, पावरफुल मोटर यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सूटेबल फॉर रूम अप टू कवरेज एरिया 588 स्क्वायर फीट रूम। यहाँ फ्रेंड मोटर विथ टॉप थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ आपको देखने को मिलेगा, वर्क्स ऑन इन्वर्टर, 65 लीटर टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा लगा हमें, इसलिए हम आपको प्रीफर कर रहे हैं। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कूलर कैसा लगा। थ्री साइड हनी कॉम कूलिंग मीडिया है जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इसका मॉडल भी हमें काफ़ी अच्छा लगा, स्पीड कंट्रोलर है, आइस चैम्बर है, आप अलग से आइस भी रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है, स्टडी व्हील है, फोर वे लोअर मूवमेंट है जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स मॉडल भी हमें काफ़ी अच्छा लगा और इसका जो साइज़ है वो भी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी आप लिविंग रूम, बेडरूम, बालकनी या लॉन कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स मात्र आपको 8000 के आसपास देखने को मिल जाएगा और MRP आप देख पा रहे हैं 18000 के आसपास है। उसके बाद हम बात करेंगे क्रॉम्पटन ओजोन डिजर्ट एयर कूलर, ये 75 लीटर का है, ये 10000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये वो लास्ट पंप ऑटोफिल जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ओजोन 75 कूलिंग नहीं जल्दी कूलिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सिर्फ कूलिंग ही नहीं करेगा, जल्द आपका रूम ठंडा कर देगा। फोर वे एयर डिफ्लेक्शन है, 75 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी है, मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन, इन्वर्टर कंपेटेबल है, ऑटो फिल आप, जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसमें पानी भरने का भी झंझट नहीं है, ऑटो फिल हो जाएगा टैंक जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है, एवर लास्ट पंप है। जी हाँ फ्रेंड्स, आइस चैम्बर भी आपको देखने को मिल जाता है, कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाएगा, ऑटो स्विंग वर्टिकल लोअर देखने को मिल जाएगा, लार्ज वाटर इनलेट है, वाटर लेवल इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्रॉम्पटन का और भी बहुत सारे कूलर आते हैं, ऑप्टिमस डिजर्ट रेंज 65 65i एंड 100, ऑप्टिमस प्राइम एंड क्लासिक। तो फ्रेंड्स क्रॉम्पटन के काफ़ी सारे मॉडल हैं, टावर रेंज भी हैं, तो आप इसको बिल्कुल परचेज कर सकते हैं जो भी आपको इसमें पसंद आए। क्रॉम्पटन भी एक बहुत ही अच्छा मॉडल है। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में बजाज DMH 90 नियो 90 लीटर डिजर्ट एयर कूलर फॉर होम विथ ड्यूरामाइन पम्प। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 11000 के आसपास देखने को मिलेगा, 90 फीट एयर थ्रो एंड 3 स्पीड कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। बजाज का ये कूलर है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं इसका जो मॉडल है ये भी काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और यहाँ पे 3 कंट्रोल नॉब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बजाज DMH 90 न्यू एयर कूलर विद हेक्साकूल टेक्नोलॉजी, पावरफुल एयर फ्लो विथ ए पीक ऑफ 5600 क्यूबिक मीटर पर आवर एंड एवरेज ऑफ 4100 क्यूबिक मीटर पर आवर। जी हाँ फ्रेंड्स, एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी एंड दैट किल्स एंड प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑन द हनीकॉम पैड, रेटेड फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स का आपको देखने को मिलेगा, 90 लीटर ऑफ वाटर टैंक कैपेसिटी विद आइस चैम्बर टू स्टोर आइस क्यूब फॉर इम्प्रूव कूलिंग एक्सपीरियंस।